तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जो शर्त तुमने रखी है उसे हम कभी कबूल नहीं कर सकते। वाकई पागल हो तुम। हम पागल नहीं हैं, मिस्टर कफूर अहमद सिद्दीकी साहब। जी हाँ, ना हम पागल हैं और ना ही हमने कोई नामुमकिन शर्त रखी। सिद्दीकी साहब, ये तो सीधा साधा सौदा है। हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी। लेकिन तुम जो मांग रही हो वो आप पूरा कर सकते हैं। जरा सोचिए, आपकी बेटी से सिर्फ हम आपको मिला सकते हैं। बरसों से खोई हुई बेटी से मिलने की तो बहुत कम कीमत मांगी है हमने सिद्दीकी साहब, वरना सोचिए एक बार ये लोग हमें यहां से ले गए तब तो किस्सा ही खत्म। अब फैसला आपके हाथों में। सोच लीजिए। फैक्ट्री में आग हमने लगाई, उसमें जिंदगी तुम्हारी जल गई। वो आग हमने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लगाई थी। वहां जिसका कत्ल हुआ तुम तो उसे जानते तक नहीं, लेकिन हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे राशिद। तुम बेकसूर थे राशिद, तुम बेकसूर थे। हमें अफसोस है, मैं उस गलती की सजा मिली जो तुमने कभी की ही नहीं। तो ये है वो ऐलान जिसके लिए आज सारी दुनिया को बुलाया जा रहा है। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मुमानी? इतनी बड़ी हो गई हैं आप, आपको अब तक ये नहीं पता चला कि किसी के सामान को उसकी इजाजत के बिना हाथ नहीं लगाते, स्पेशली फोन जैसी पर्सनल चीज? और इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि किसी के कमरे में उसकी इजाजत के बिना नहीं आते? वैसे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा मुझे कि मैं आपको तमीज नहीं सिखा पाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बात की खुशी भी रहेगी कि सबक जरूर सिखा दिया मैंने आपको, क्योंकि आज रात के बाद वैसे भी आपका हर खेल खत्म हो जाएगा। फिर आपका कोई भी पैतरा, आपकी कोई भी चाल आपको नहीं बचा पाएगी। थोड़ा सा वक्त रह गया, सोच लीजिए क्या करना। देख क्या नहीं थी मेरे फोन में? हम पागल नहीं हैं, मिस्टर कफूर अहमद सिद्दीकी साहब।
जरा सोचिए, आपकी बेटी से सिर्फ हम आपको मिला सकते हैं। ये पागल लड़की है, बात बात पर भाग जाती है, किसी को देखती है कुछ ना कुछ बोलने लगती है। इसकी किसी भी बात पर यकीन मत कीजिए सिद्दीकी साहब, ये सबसे बड़े बड़े वादे करती है ताकि वो इसको यहाँ से निकालने में मदद कर पाए। क्या हो गया था मुझे, मैं भी किस पागल लड़की की बातों में आ गया। लेकिन जो भी हो, उस पागल लड़की की बातों से एक उम्मीद तो जागी थी, अब तो वो भी खत्म हो गई है। लगता है कि मैं अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाऊंगा। रास्ते से हटवाना ही होगा, जल्द से जल्द ये काम करना होगा। जी अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे पता चल गया है आज ये लोग पार्टी में क्या ऐलान करने वाले हैं, और उसे रोकने की सिर्फ एक ही सूरत है, सिर्फ एक सूरत। हमें हर हाल में जोया को अपने रास्ते से हटाना होगा, उसका कत्ल करना होगा हमें जल्द से जल्द। बस खून के दाग खून से नहीं धोए जाते रसिया, आंसुओं से धोए जाते हैं। हमारे दामन पर पहले एक खून का धब्बा है, और उसे मिटाने के बजाय तुम एक और खून करने की बात कर रही हो। मैंने तब भी खून अपने लिए नहीं किया था, और आज भी मैं वो खून अपने लिए नहीं करूंगी। मैंने तब भी आपके लिए खून बहाया था, और आज भी मैं सिर्फ आपके लिए खून बहाऊंगी। राशिद मियां के सामने जो उगल कर आए हैं ना आप, सब जोया के फोन पर रिकॉर्डेड है, समझ रहे हैं? इस बात का इल्म है आपको, और आज रात पार्टी में वो रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनवाकर ये लोग हमें हमेशा के लिए जेल भेजवाना चाहते हैं। सारी तैयारी कर दी उन्होंने, हमेशा के लिए जेल। क्यों नहीं बोल रहे आप? इस बात का जरा सा भी अंदाजा है आपको कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, और मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही हूं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हमने जुर्म किया है तो सजा तो हमें मिलेगी, हमारे गुनाहों की जितनी भी सजा हमें मिले वो कम है रसिया। अब जो भी होना है उसे हो जाने दो। हैदर जी आप पैकिंग क्यों कर रहे हो? आप कहीं जा रहे हैं? जी। लेकिन कहा? जहां तक देख ले जाएगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझना क्या है?
पे से नहीं जा सकते। आपको किसने कहा जाने को? किसी के कहने से क्या होता है, चाहत या नफरत आंखों से बयां होती है। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके अम्मी अब्बू को मेरा यहां रहना पसंद नहीं है। दाजी ऐसा नहीं है, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। गलतफहमी ही सही, मैं जिस काम के लिए यहां पर आया था वो काम तो हो गया, अब मेरे यहां रहने की कोई वजह नहीं। क्या वजह नहीं है? क्या वाकई कोई वजह नहीं है? जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। मुझे आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं अब्बू से अभी कहती हूँ, आप इस घर से नहीं जा सकते। तुम क्यों चाहती हो कि मैं यहां से ना जाऊं? मैं अभी अब्बू से कहती हूं, अब तुम्हारे अब्बू से तुम नहीं, मैं बात करूंगा। बरसों से खोई हुई बेटी से मिलने की तो बहुत कम कीमत मांगी है हमने सिद्दीकी साहब। अब फैसला आपके हाथों में। हर हाल में जोया को अपने रास्ते से हटाना होगा, हमें उसका कत्ल करना होगा। क्या बात है सिद्दीकी साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैं समझ सकता, जिसकी बेटी बर्बाद होने जा रही है वो परेशान तो हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। आपकी बेटी भीख मांग रही थी मुझसे कि मैं घर छोड़कर ना जा। मैं जाना तो चाहता हूं लेकिन क्या करूं, बेचारी का दिल टूट जाएगा। तरस आता है मुझे उस पे, लेकिन क्या करूं, बेचारी सर से लेके पांव तक मेरे इश्क में डूब चुकी है। झूठ बोलते हो तुम, यकीन नहीं आता ना कि कैसे आपकी बेटी ने आपका यकीन तोड़ दिया। बिना सबूत के किसी बात पे यकीन आना भी नहीं चाहिए सिद्दीकी साहब। Thank you.
पता ही नहीं चला कि कब हम इतने करीब आ गए। हम तो और भी करीब आने वाले थे, इतने करीब कि शायद उसके बाद आप खुद शर्म से अपनी जान दे देते। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, काम बहुत मुश्किल था ना, अब आप तो समझ ही सकते हैं। एक ही कमरे में बहुत पास, अब इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने खुद पे काबू रखा। खुदा की कसम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक काबू रख सकता हूं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप तो जेल जाने वाले हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगले संडे को कोई बाहर ले जाओ, कहीं भी, किसी होटल रूम में जहां पर वो और मैं साथ साथ। बड़ा मजा आएगा। क्यों खेल रहे हो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? बोलो क्या बिगाड़ा है? बेटी ने नहीं, उसके बाप ने। आपने बिगाड़ा है जनाब कफूर अहमद सिद्दीकी। क्यों याद नहीं आ रहा? 17 साल पहले गुड़िया फैक्ट्री, वो आग, कौन हो तुम और गुड़िया फैक्ट्री से तुम्हारा क्या लेना देना? लेना देना है, लेना देना है। लेना देना है सिद्दीकी साहब? उस रात गुड़िया फैक्ट्री में आग आपने और रजिया सिद्दीकी ने लगवाई थी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उस रात गुड़िया फैक्ट्री में एक लाश ही नहीं जली थी, बल्कि मेरे अम्मी अबू की जिंदगी बिछड़ कर राख हो गई थी। क्योंकि वो फैक्ट्री मेरे अब्बू की थी। फैक्ट्री के चलने की वजह से मेरे अब्बू का बहुत नुकसान हो, और ये बात वो सहन ना कर पाए, इसलिए उनकी मौत हो गई। मेरी अम्मी ने भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, और यह सब आपकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने आप दोनों को गुड़िया फैक्ट्री में बात करते हुए देखा था, इन्हीं आंखों ने देखा था, इन्हीं कानों ने सुना था। कुछ नहीं भूला हूं मैं, और ना ही आपको भूलने दूंगा। दिल मरा हूं मैं इंसानों में, और अब आप मरेंगे धीरे धीरे, हर रोज अपनी बेटी को मरता देखेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कैसे जेल में रहकर लाचार होकर आप अपनी बेटी को बर्बाद होता देखेंगे। आपकी शोहरत, आपकी इज्जत, आपकी खुशियां, आपके अपने, जिस पर आपको इतना नाज है, सब छीन लूंगा मैं।
अल्लाह, मैं नहीं जानता था कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे इस तरह मिलेगी। मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और मेरी दूसरी बेटी को सुदूर बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती। मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी हुमैरा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा बर्बाद मेरी हुमैरा की जिंदगी को।